Hello everyone, in this video you will get to know how we can use parameterized queries in Python MySQL connectivity. आप Python MySQL connectivity में parameterized queries को कैसे use कर सकते हो, okay? A parameterized query is a query in which placeholders are used for parameters. A parameterized query क्या होती है? वो commands होती हैं, वो SQL की queries होती हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो? Parameters pass करते हो, कुछ values को pass करते हो, okay? अब यहाँ पे क्या है? A parameter क्वेरी इन विच प्लेस होल्डर्स आर यूज्ड. अब यहां पे पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली वैल्यूज को नहीं दे रहे हो, आप कुछ प्लेस होल्डर्स दे रहे हो, राइट? ओके, तो अब आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे? टू फॉर्म क्वेरी स्ट्रिंग बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स वी हैव टू मेथड्स. ओके, तो यहां पे हमारे पास पैरामीटराइज क्वेरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं. एक है आपका ओल्ड स्टाइल एंड सेकेंड है आपका न्यू स्टाइल. ओके, ओल्ड स्टाइल क्या है? स्टाइल टेम्पलेट्स विद परसेंटेज फॉर्मेटिंग, राइट? आप इसके अंदर कैसे फॉर्मेट करोगे अपनी क्वेरी को, कैसे आप उसको राइट करोगे? बाय यूजिंग द, आप कैसे प्लेस होल्डर्स को स्पेसिफाई करोगे? बाय यूजिंग द परसेंटेज, राइट? एंड न्यू स्टाइल में क्या है? स्ट्रिंग टेम्पलेट विद कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेटिंग. और जो न्यू स्टाइल है उसके अंदर आप जो भी क्वेरी लिखोगे उसके अंदर आप जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, राइट, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? बाय यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, ओके, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ओल्ड स्टाइल क्या है, न्यू स्टाइल क्या है, देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली, राइट? नाउ, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल टेम्पलेट विद द परसेंटेज फॉर्मेटिंग. इन ओल्ड स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग एसक्यूएल क्वेरीज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजेस दिस जर्नल फॉर्म. ओके, तो जो आपका जो ओल्ड स्टाइल है उसमें क्या है? फॉर्मेटिंग कैसे होती है? एफ परसेंटेज वी, राइट? तो एफ क्या है? एफ इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग. एफ क्या है? आपकी जो कंप्लीट कमांड जो आप देते हो, राइट? दिस इज एफ. ओके, जैसे यहां पे आपने दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज एंड प्लेस होल्डर, राइट? ये आपका क्या है? प्लेस होल्डर. आपने यहां पे डायरेक्टली मार्क्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, आप पैरामीटर को स्पेसिफाई नहीं किया है. ओके, तो यहाँ पे f क्या है? आपका स्ट्रिंग है. एंड v क्या है? v स्पेसिफाइज द वैल्यू और वैल्यूज टू बी फॉर्मेटेड. और v क्या स्पेसिफाई करेगा? वैल्यूज को स्पेसिफाई करेगा जो आप इन प्लेस होल्डर्स में क्या देना चाहते हो, राइट? ओके, तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल में कैसे फॉर्मेटिंग करोगे आप? f, f क्या है? आपका स्ट्रिंग, आपका कमांड, ओके, परसेंटेज एंड v, v क्या है? आपकी वैल्यूज जो आप पास करना चाहते हो, राइट? अब यहाँ पे देखो, v, v जो आपका वैल्यू है वो क्या है? मस्ट बी अ टपल, वो टपल होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने सिंगल एलिमेंट दिया तो उसके बाद कॉमा लगाया है क्योंकि ये क्या है हमारा, हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करें? टपल. ओके, तो दिस इज आर ओल्ड स्टाइल जहाँ पे आप किसकी हेल्प से फॉर्मेटिंग कर रहे हो? आप परसेंटेज की हेल्प से फॉर्मेटिंग कर रहे हो, राइट? देन वी हैव न्यू स्टाइल. ओके, स्ट्रिंग टेम्पलेट विथ कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेटिंग. द न्यू स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डॉट फॉर्मेट मेथड. ओके, तो जो न्यू स्टाइल है वो किसका यूज करता है? डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करता है. यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है एंड सेक्शन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स. तो जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट दिया है वहाँ पे क्या है, कौन सा पैरामीटर आएगा? आपका मार्क्स. और जो सेकेंड आपका कर्ली ब्रैकेट आपने दिया है विद इन कोट्स, राइट, उसमें क्या आएगा? आपका सेक्शन आएगा, राइट? देन आपने डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन में आपने वैल्यूज दी है, 80 आपका एज अ मार्क्स जाएगा, एज अ मार्क्स पास होएगा, एंड सी आपका एज अ सेक्शन पास होएगा, राइट? अब यहां पे देखो, प्लेस होल्डर एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज. और जहां पे भी स्ट्रिंग वैल्यूज है वहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स को भी एनक्लोज करना है, किससे? क्वोटेशन मार्क्स से, राइट, सिंगल और डबल, वॉट एवर. ओके, द अबव क्वेरी स्ट्रिंग एस टी स्टोर्स, जो अबव जो ये आपकी क्वेरी है वो क्या स्टोर करती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड सेक्शन शुड बी सी. ओके, तो ये हमारा क्या है? न्यू स्टाइल है, फाइन. ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर. ओके, एस इसका एलियस नेम ले लेते हैं हम लोग. एलियस क्या है? इसका निक नेम है,
राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को, राइट ओके। अगर आप इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे पाइथन और SQL के बीच में, फाइन। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ से, आई थिंक नाउ इट्स क्लियरली विजिबल, ओके। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है SQL और पाइथन के बीच में, तो हम उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माइकॉन क्या लिया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है, ओके SQL, तो ये हमने एलियस नेम लिया था SQL टर, राइट। तो अब आपको ये कंप्लीट यूज नहीं करना होगा, MySQL डॉट कनेक्ट है, इसके प्लेस पे आप इसको यूज कर सकते हो, इसका एलियस नेम, फाइन, डॉट कनेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, फाइन। तो ये इसके अंदर आप चार पैरामीटर्स पास करोगे, सबसे पहले आपका आएगा होस्ट, कि आप किस होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट आपका आता है यूजर, यूजर में आप किसका यूजर दोगे, यहाँ पे आपका आएगा MySQL का यूजर। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो आप एज अ रूट यूजर्स में देते हो, ठीक है। देन पासवर्ड, तो यहां पे क्या देना है आपको, MySQL का पासवर्ड देना है, फाइन। एंड कौन से डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो वो डेटाबेस आपको देना है, जैसे यहां पे मैं कर रही हूँ स्कूल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, फाइन। तो मैंने यहां पे दे दिया स्कूल, राइट, स्कूल डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैंने स्कूल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, फाइन। अब देखो, अब जो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्रिएट हुई है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो माइकॉन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पे जो हमारा माइकॉन वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। एंड इट विल कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन द पाइथन एंड SQL, ओके। अब देखो, अगर आपको पता करना है कि आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इफ माइकॉन डॉट इज कनेक्टेड, इस कनेक्टेड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर ये फंक्शन ट्रू है तो कनेक्टिविटी हो गई है, और अगर ये फंक्शन फॉल्स है तो क्या हुआ है, आपका आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एरर इन कनेक्टिविटी, ओके, एरर इन कनेक्टिविटी, फाइन। अब देखो, आपने क्या किया है, कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, मान लो कर ले लिया मैंने एक वेरिएबल, या कर्सर पूरा ले लो, मैंने नेम ले लिया कर्सर, ठीक है। और आप कर्सर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करोगे, आप यहां पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, माइकॉन डॉट कर्सर फंक्शन का यूज करोगे। कर्सर फंक्शन का यूज किया आपने, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन, तो ये क्या क्रिएट करेगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब कर्सर ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट आप जो डेटा एक्सेस करोगे, ठीक है, MySQL से, ओके, वो डेटा कर्सर ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, फाइन। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी ली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, मेरी टेबल है, कौन से डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर, फाइन। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ओके, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, सॉरी, क्वेरी को अभी मैंने सिर्फ लिखा है, अब मेरे को क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगी, कर्सर, जो मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फाइन, ये क्या है, मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ओके, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और आप इसके अंदर पास कर दोगे क्वेरी, फाइन। इसके अंदर आपने पास कर दी क्वेरी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके अंदर आपने पास कर दिया क्वेरी को, फाइन। अब जो इस क्वेरी से जो भी डेटा फेच होगा, राइट, वो कहां पे जाके स्टोर होगा, वो कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा, फाइन। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे वेरिएबल ले लिया डेटा कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा,
फैच ऑल फंक्शन कर्सर के अंदर जितना भी डेटा है उसको एक ही वन गो में, एक ही बार में फैच करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। फाइन, तो हमने क्या किया, कर्सर का डेटा फैच करके डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब हमें वो डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, फोर आई, या फिर आप फोर रो भी लिख सकते हो, फोर रो इन डेटा। अब ये क्या करेगा, ये वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ टपल्स डेटा को एक्सेस करेगा, राइट, प्रिंट आई। ओके, नाउ लास्ट में आपको क्या करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, ठीक है, जो पाइथन माई एसक्यूएल का कनेक्शन है उसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ओहो, यहाँ पे आई दे दिया मैंने, रो करना था। ओके, आपका डेटा आ गया, फाइन। ओके, ये हमारा डेटा आ गया है। तो ये तो देखो हमारा सिंपल मेथड था, इसके अंदर हमने क्या किया, पैरामीटराइज क्वेरीज को यूज नहीं किया, फाइन, बिल्कुल सिंपल मेथड था। अब इसी सिंपल मेथड में अगर आप कंडीशन लगाओ तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर मार्क्स लेते हैं, एम ए आर के एस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, राइट, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, फाइन। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखो आपके पास डेटा आ गया है, जहाँ पे मार्क्स क्या है, 80 से अबव है, 91, 98, 81, फाइन। देखो मैं आपको ये जो टेबल है वो यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा, मैंने क्या है, स्कूल डेटा बेस से कनेक्ट किया है, तो मैं दिखाती हूँ, शो डेटा बेसिस, डेटा बेसिस माई स्कूल में, ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे स्कूल डेटा बेस है, हम स्कूल डेटा बेस को यूज करते हैं, यूज स्कूल, ओके, शो टेबल्स, फाइन, इसमें स्टूडेंट टेबल है, और यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, तो ये आपका देखो डेटा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सेक्शन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, रोल नंबर दिस, नेम रोहन, अमित, सिमरन, तो यही सेम डेटा आपने अपने कहाँ एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, यू कैन लुक हियर, देखो यहाँ पे सेम डेटा आपका है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी को हटा देती हूँ, ओनली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस कर देती हूँ, ठीक है, एंड आई विल रन दिस, देखो सेम डेटा आया हुआ इन द फॉर्म ऑफ टपल, जो आपका क्या है, यहाँ पर टेबल है, राइट, ओके, सी, अभी आपने क्या किया, सिंपल जो आप, यहाँ पे हमने पैरामीटराइज क्वेरीज का यूज नहीं किया, सिंपल जैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं वो किया, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्वेरी, पैरामीटराइज क्वेरी की ओल्ड स्टाइल को यूज करेंगे, ठीक है, कि आप कैसे ओल्ड स्टाइल में अपनी क्वेरीज को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, ओके, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं कौन सा स्टाइल यूज करी, ओल्ड स्टाइल, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एंड एस, एस क्या है मेरा, प्लेस होल्डर है, ठीक है, परसेंटेज एस, राइट, उसके बाद में क्या करूंगी, परसेंट देख, परसेंट लगा के एज अ टपल अपनी वैल्यू को पास करूंगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को ग्रेटर देन 80 लिखना था ना, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 80 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंट एस, तो यहाँ पे जो परसेंट एस है इसके प्लेस पे क्या आएगा, हमारा 80 आएगा, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे, सी, देखो आपका सेम रिजल्ट आया है यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके जो मार्क्स थे 80 से अबव थे उनका रिजल्ट आपके पास आ गया है, फाइन, ओके। अब देखो मान लो मैं इसके साथ क्या दे देती हूँ, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, यहाँ पे दिया हमने परसेंट एस, और एक और हम ले लेते हैं, और यहाँ पे आपने दिया एम एंड एस, ठीक है, एम एंड एस, यहाँ पे जो भी वैल्यू एम की पास होगी यूजर इनपुट करेगा वो, और सेक्शन की जो पास होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अब नाउ वी विल रन दिस, देखो सबसे पहले मार्क्स पूछ रहा है तो हम 80 कर देते हैं, 80 एंटर। अब सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन मैंने बी कर दिया,
शिफ्ट एंटर, तो देखो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे क्या है मार्क्स अबव देन 80 है और सेक्शन क्या है बी है, उसका रिजल्ट आपके पास आ गया है। फाइन, तो ये क्या था हमारा ओल्ड स्टाइल था। फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यू स्टाइल। ओके, तो न्यू स्टाइल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सिर्फ प्लेस होल्डर्स को चेंज करना है। ठीक है, हमारा हम यहाँ पे यूजर से वैल्यूज एंटर करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेरी है सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट, थोड़ा सा चेंज होगा, अमेंडमेंट होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे परसेंटेज एस की जगह हम क्या लेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड सेक्शन। अब यहाँ पे सेक्शन भी आप इसमें लोगे, सेक्शन हमारा स्ट्रिंग है तो वो कर्ली ब्रैकेट किस में आएंगे, आपके क्वोटेशन मार्क के अंदर आएंगे, सिंगल या डबल। ठीक है, ओके, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन का यूज होगा, एमएस। समझ आया, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट दिया है एंड सेक्शन, ओके, विद इन सिंगल कोट्स आपने कर्ली ब्रैकेट में दिया है, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आपने पास कर दी वैल्यू एम की एंड एस की। ओके, एम एंड एस की वैल्यू आपने पास कर दी, इसको हम रन करेंगे। अब देखो ये आपसे मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स आप कर दो, मान लो मैं 70 कर देती हूँ इस बार। ठीक है, एंटर, सेक्शन मैंने कर दिया ए, अब पता नहीं ए में है कि नहीं है, शिफ्ट एंटर आ गया, अब देन 70 कर दिया था तो 71.2 आ गया और ए आ गया। ठीक है, ये हमारा ये आ गया डेटा, तो ये आपका क्या है, न्यू स्टाइल। फाइन, इसमें आपने यूजर से एंटर कराई है वैल्यू, ओके। अब मान लो आप यूजर से एंटर नहीं करा रहे हो, सिंपली आप खुद ही पास कर रहे हो, राइट, तो मैं ये क्या करती हूँ, इसको बना देती हूँ कमेंट, और इसको भी मैं बना देती हूँ कमेंट। फाइन, सिंपली मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड सेक्शन शुड बी दिस, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मैं वैल्यूज को पास कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी, 70, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 70 एंड सेक्शन शुड बी ए, ओके, और आपका सेक्शन क्या हो, ए हो। फाइन, इसको आप कर दो एग्जीक्यूट, तो आपका रिजल्ट आ गया, देखो सेम रिजल्ट आया, आपने इसको रन किया तो आपका सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। फाइन, तो हियर वी हैव डन बोथ द ओल्ड स्टाइल एंड न्यू स्टाइल ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।